नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम मौसम की अपडेट लेकर आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले दो तीन दिनों से मौसम साफ बना हुआ है और तेज़ धूप खिली, और इसका असर अब देखने को मिल रहा है कि प्रदेश के पहाड़ जो काफ़ी दिनों से गर्मियों में भी ठंडे नज़र आ रहे थे, अब पहाड़ों में तापमान धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त पिछले दो तीन दिनों में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस की तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है, और प्रदेश में के कई शहरों का जो न्यूनतम तापमान काफ़ी कम चला हुआ था, अब वो भी बढ़ना शुरू हो गया है। तो कुल मिलाकर गर्मी ने अपना रंग दिखाना अब शुरू कर दिया है। हालांकि मार्च महीने से जिस तरह से बारिशों का एक दौर चला हुआ था, उसके बाद प्रदेश के तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है। यदि इस वक्त हम शिमला से लाइव जुड़े हुए हैं, तो शिमला का यदि हम तापमान की बात करें, तो प्रदेश की राजधानी शिमला का जो न्यूनतम तापमान है उसमें नॉर्मल से करीब 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है, और 17.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास शिमला का न्यूनतम तापमान है। प्रमुख शहरों में का भी तापमान बढ़ना शुरू हो गया है। जिला सोलन के, यदि सोलन की शहर की बात करें, तो सोलन का जो टेम्परेचर वो बढ़कर 31 डिग्री सेल्सियस हो गया है। ऊना का 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। इसी तरह बिलासपुर का 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जबकि हमीरपुर का 35.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान बना हुआ है। तो चंबा में भी 34 डिग्री सेल्सियस तापमान इस वक्त पहुंच गया है। मंडी का 35.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान बना हुआ है। तो कुल मिलाकर अब प्रदेश में जो प्रदेश के जो प्रमुख शहर हैं वहां पर अब जो तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। 12 शहरों में 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इस वक्त तापमान हिमाचल प्रदेश में पिछले दो तीन दिनों में बढ़ा है। तो 5 से 6 डिग्री सेल्सियस की तापमान में बढ़ोतरी हुई है। और यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें, तो न्यूनतम तापमान में भी अब इजाफा होना शुरू हो गया है। तो धर्मशाला का जो न्यूनतम तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। केलांग का 5 डिग्री सेल्सियस और मनाली का 10.2 सेल्सियस के आसपास तापमान बना हुआ है। तो प्रमुख शहरों में अब तापमान बढ़ना शुरू हो गया है। मौसम विभाग की माने तो 15 जून के बाद प्रदेश में मौसम में एक बार फिर परिवर्तन देखने को मिल सकता है। बारिशों का एक बार फिर से दौर शुरू होगा। पिछले 3-4 दिनों से हालांकि हल्के हल्के बादल आसमान पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग का भी इसी तरह का कहना है कि प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में इन दिनों बारिश हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम जगहों का जो तापमान है वो मैक्सिमम जो क्षेत्र है उसमें मौसम साफ बना रहेगा। बारिश की अभी फ़िलहाल कोई संभावना नहीं है। 15 के बाद बारिशों का दौर एक बार फिर से शुरू होगा, क्योंकि केरल में मानसून ने अब दस्तक दे दी है, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में जो मानसून की दस्तक है वो 20 जून तक पहुंचने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश में कि किस तरह का मानसून रहेगा इसके बारे में अभी आंकलन मौसम विभाग ने नहीं किया है कि नॉर्मल मौसम रहेगा या फिर सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरह से अभी तक की जो जानकारियाँ आ रही हैं मौसम विभाग की ओर से भी, तो उत्तर भारत में इस बार जो मॉनसून है वो कमज़ोर पड़ने की उम्मीद इस बार व्यक्त की गई है। हालांकि मॉनसून से पहले ही मार्च महीने से प्रदेश में लगातार बारिशों का एक दौर चला हुआ है, लगातार बारिशें हो रही है, और इसके कारण तापमान में काफ़ी गिरावट इस बार देखने को मिली है। हालांकि पिछले दो तीन दिनों से जिस तरह का मौसम साफ बना हुआ है, तो लोगों को अब जाकर थोड़ा गर्मी का एहसास हुआ है, क्योंकि दिन के समय जिस तरह की गर्मी प्रदेश में पड़ रही है तो वो उस तरह की गर्मी बरसात के दिनों में देखने को मिलती थी। तेज़ धूप
इस वक्त दिन के समय प्रदेश में रहते हैं। सुबह सुबह का जो मौसम है, सुबह सुबह पहाड़ों में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, उससे थोड़ा लोगों को राहत भी मिल रही है। और दूसरी बात यह है कि जो न्यूनतम तापमान है वो मैक्सिमम जगहों का 20 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो उससे अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि प्रदेश में थोड़े मौसम के लिहाज से बात की जाए तो थोड़े अभी सामान्य हालात बने हुए हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी अभी प्रदेश में नहीं पड़ रही है, भले ही पिछले 2-3 दिनों से तापमान में 5-6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से प्रदेश का जो तापमान था उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही थी। लगातार बारिशें चली हुई थी और उसके कारण जो नॉर्मल दिनों में हिमाचल प्रदेश का अमूमन गर्मियों में तापमान देखा जाता था उससे 7-8 डिग्री सेल्सियस की कमी इस बार रिकॉर्ड की गई थी। तो प्रदेश में आज मौसम साफ रहने की उम्मीद है और आप देख सकते हैं कि हल्के हल्के पहले बादल छाए हुए थे और अब एकाएक धूप आज तेज हो गई है, तो दिन में आज काफ़ी गर्मी होने की उम्मीद भी है क्योंकि जिस तरह का मौसम साफ बना हुआ है तो दिन के समय काफ़ी तेज़ धूप प्रदेश की राजधानी शिमला सहित पूरे प्रदेश में देखने को मिल सकती है। मौसम में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।